हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आपके यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को पता है कि जो आईटी जो फर्स्ट ईयर है उसके सीबीटी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके आज अगर अपने को पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न के अंदर अगर बात करें अपने कि जो आईटी के जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं इसके अंदर अगर बात करें कि 40 क्वेश्चन हैं अगर बात करें वो आ रहे हैं थ्योरी के बारे में। अगर बात करें कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो है ईएस की, अगर और अगर बात करें अपने 20 क्वेश्चन की तो वो आ रहे हैं डब्ल्यूसी के अंदर। तो जो सारे सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरीके से आ रहे हैं और आपको कम से कम इन तीनों जो सब्जेक्ट को करने में कम से कम आपको एक ही घंटा मिनिमम अगर बात करें कि 60 मिनट का टाइम लगने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इसका जो पैटर्न रहता है सीबीटी एग्ज़ाम का इस बार वो क्या है कि निम्मी जो मॉक टेस्ट पेपर है निम्मी जो साइट पे आपको मिल जाएंगे तो वहाँ से आपको जो एक पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी वहाँ से आपको क्या है इस तरीके से आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसी में से क्या है सारे सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि जो कल जो पहली शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम होता 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। और उसकी सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो उठाए गए थे वापस से रिपीट हुए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे कि 22 और 23 मार्च को एग्ज़ाम है और एक 17 और 18 मार्च को एग्ज़ाम है, अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये क्या बता वहाँ पर भी आपके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आया था कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका जो राइट आंसर था फोटोवोल्टेक सेल। आप सभी को पता है कि फोटोवोल्टेक जो सेल होते हैं जिसे अपने सौर प्लेट कहते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, यानी उसके बाद में जो अपना जो आंसर आया था यानी जो क्वेश्चन आया था वो आया था सात नंबर जो पूछा गया था इसके अंदर क्या था कि लिथियम सेल का निर्गतम वोल्टेज कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 2.5 वोल्टेज है वो क्या होता है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज होता है। आप है ना उसमें नंबरिंग लगाते जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक पूछा गया लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज का मान, उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका था 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें अपने 11 नंबर था कि सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट को बनाने हेतु कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को बताया कि जो स्पंजी लेड होता है यानी जो पीबी होता है इसका उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। बी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा यानी स्पंजी लेड का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है, ठीक है 11 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आया था वो आया था 19 नंबर क्वेश्चन आया था। 19 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा अमल सेल में विद्युत अपघटन की तरह बैटरी अपघटन का उपयोग किया जाता है यानी किसका उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में अपने कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कि तनु सल्फ्यूरिक अमल यानी जो लेड एसिड बैटरी में H2SO4 डाला जाता है वो क्या होता है एक लेड एसिड होता है जो क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अमल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आया था इसके अंदर क्या होता है परिपथ की कुल वोल्टेज पूछी गई थी। तो इसकी जो परिपथ की जो कुल वोल्टेज आपको यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर क्या है प्रत्येक सेल आपको पता है कि समांतर में लगाया गया और प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज है वो क्या है 1.5 वोल्ट है और एक अगर 1.5 वोल्ट का एक सेल है तो समांतर में पता है वोल्टेज का मान क्या रहता है समान, तो VT का मान भी कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप है ना क्वेश्चन के बारे में लिखते जाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज का मान होगा क्या होगा वोल्टेज का मान। अगर आपको पता है कि लोड का मान बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है घटता है, तो लोड यानी सिरों पर अगर बात की जाए तो वोल्टेज क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज होगी, इसका मान क्या होगा हमेशा ही हमेशा क्या होता है घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर क्या आएगा बी आएगा 34 नंबर क्वेश्चन का यानी वोल्टेज का मान क्या होगा घटेगा अगर लोड का मान कम हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था उसका वो था 44 नंबर था, चलिए फ्यूज़ कौन से प्रकार का है यानी इसमें टाइप पूछा गया है कि फ्यूज़ का आपको टाइप बताना है कि किस प्रकार का ये फ्यूज़ है वो आपको दिखाया गया है। तो आपको पता है कि इस फ्यूज़ को HRC फ्यूज़ कहते हैं। HRC फ्यूज़ आपको पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हाई रैप्चरिंग
कैपेसिटी होती है, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या है, बी के अंदर दिया गया, यानी उच्च हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या फिर उच्च विदारक क्षमता भी से कहते हैं। और अगर बात करें कि इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में इसका क्या होगा कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, यानी किस प्रकार का चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, HRC फ्यूज़ का दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना 67 नंबर, जो क्वेश्चन है वो आगे वाला है जो आया हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि आरेख का नाम क्या है, आरेख किस प्रकार का जो दिखाया गया है, तो किस प्रकार का आरेख है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका स्थापना योजन होगा। यानी स्थापना योजन की अगर बात करें कि इंस्टॉलेशन प्लान, आपको जो वायरिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, ये आपको यहाँ पर बताता है कि ये सर्किट आपको यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर अर्थ और यहाँ पर लाइन, इस तरीके से आपको वायरिंग, जैसे कि आप मकान वगैरह बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले जीरी लगा के और पाइप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या एक प्रकार का प्लान बनाया जाता है कि अपने को वायरिंग किस तरीके से करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, यहाँ पर 67 का क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं जो अगला जो क्वेश्चन था वो था 77 नंबर। ये PDF फाइल आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा और उससे आप वहाँ से आप ले सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हरी सिलेक्टिफाइड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर में MCB का पूरा नाम पूछा गया था कि MCB का पूरा नाम क्या है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ITI में आपको कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाता है, अगर आपको ये नहीं आता तो समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता है। यानी 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 77 नंबर है MCB का पूरा नाम पूछ रहा था। MCB का पूरा नाम आपको पता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, पहले क्या लिखा, मिनट कंट्रोल ब्रेकर नहीं होता, मिनिमम कंट्रोल ब्रेकर भी नहीं होता, कॉन्टैक्ट करंट ब्रेकर और मैक्सिमम भी नहीं होता, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किसका पूरा नाम है, MCB का, MCB का क्या है पूरा नाम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था 168 नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको सभी जो क्वेश्चन है वो ढंग सही तरीके से आपको पढ़ने हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन क्या है कि दोबारा रिपीट हो रहे थे वहाँ पर, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर, क्या पता आपके भी ये क्वेश्चन आ जाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और सही तरीके से देखें। उसके बाद में 168 नंबर क्वेश्चन है कि संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, संट प्रतिरोध, ये जो सामग्री दिखाई गई है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द संट रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी मटेरियल जो बनाया गया है किस प्रतिरोध सामग्री का बनाया गया है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैग्नीन यानी डी का बनाया गया। आपको पता है कि तांबा नहीं, यूरेका भी नहीं, नाइक्रोम भी नहीं, और इसके अंदर राइट आंसर क्या आएगा, मैग्नीन का, ये जो दर्शाया गया ये किसका है, मैग्नीन का है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं 181 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बाद में पूछा गया था 181 नंबर। चलिए 181 नंबर के अंदर आपको डायग्राम दिखाया गया एक ऊर्जा मीटर का, यानी किस प्रकार का एक वाट मीटर है, वाट मीटर यानी शक्ति के जो गणना करने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वाट मीटर कहते हैं, जो क्या होता है सप्लाई के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 181 का क्या आएगा इसके अंदर कि बी, यानी दो अवयव तीन कला वाट मीटर है। दो अवयव का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं कि एक तो पहला पार्ट ये और दूसरा ये, यानी दो यहाँ पर अवयव लगाए गए हैं, टू एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, फर्स्ट ये और सेकंड यहाँ पर किया गया है, और थ्री कला मतलब क्या होता है, तीन फेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि UV W लोड के लिए, और L1 L2 और L3, ये क्या हो गया, थ्री फेज़ के लिए क्या है कि तीन यहाँ पर वाट मीटर लगाया गया और दो एलिमेंट यानी एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, दो एलिमेंट का यूज़ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 198 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद में 198। एक इलेक्ट्रोडाइनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रोडाइनमो द्वारा आप किस प्रकार की आप मात्रा को माप सकते हैं। इलेक्ट्रोडाइनमो पता है आपको, वाट मीटर होते हैं वो किसका मापन करते हैं, शक्ति का, धारा का, वोल्टेज प्रतिरोध का, जो ओम मीटर होता है वोल्टेज का, जो वोल्ट मीटर धारा का, एम्पियर मीटर, तो पीछे बचा गया शक्ति को मापने का जो मीटर होते हैं उसे क्या कहते हैं अपने, जिसे डायनमो प्रकार का इलेक्ट्रोडाइनमो टाइप वाट मीटर अपने कह सकते हैं, यानी शक्ति का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने 230 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 230 नंबर क्वेश्चन।
230 नंबर, 230 के अंदर पूछा गया है, एक आपको ट्रांसफार्मर का एक पार्ट दिखाया गया है, यानी इस पार्ट के बारे में आपको बताना है किस प्रकार का पार्ट है। ये टेप चेंजर भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद में धमाका वेंट यानी एक्सप्लोजन वेंट भी नहीं हो सकता। ये एक्सप्लोजन वेंट इस तरीके से एक नली सी होती है, ठीक है, और ग्लूकोज रिले, हाँ ग्लूकोज रिले होगी ये वाली ग्लूकोज, नहीं ब्रीदर हो सकता, ब्रीदर भी आपको पता है कि इस तरीके से यहाँ पर शो कंजर्वेटर पे लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया कि ग्लूकोज रिले यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, आपको ग्लूकोज रिले दिखाई गई। उसके बाद में आया था 251 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना क्या, यानी ट्रांसफार्मर अगर बना रहे हैं तो सिलिकॉन की मात्रा कितनी डालोगे आप और सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी हो, टोटल कितना रेशो जो डाला जाता है। तो इसके अंदर 93 एंड सिलिकॉन 7%, यानी आपको 93% क्या डालना है, स्टील की मात्रा डालनी है, और 7% क्या डालनी है आपको, सिलिकॉन की मात्रा। तो टोटल जो मिला कि अपना 100% जो मिश्रण बनता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 251 का आपको क्या करना है, सी करना है। आगे बात करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, यानी दो नंबर क्वेश्चन, यानी दो नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि का शमन क्या है, अग्नि का शमन क्या होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से जो रोकना होता है वो क्या होता है, अग्नि का शमन कहलाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं आग लगी हुई है वहाँ पर आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो इस जो मेथड होता है उसको क्या क्या कहा जाता है, स्मूथरिंग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, यानी 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि राउंड, आपको पता है कि जो हुक होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, इसका टाइप क्या होता है, वो क्या राउंड कार होता है। यहाँ पर जो प्लायर जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, राउंड नोज प्लायर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 6 नंबर का सी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आया था वो है 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग में लाया जाता है। तो आपको पता है कि झाग प्रकार का अपने यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो झाग से अंदर नमी के कारण क्या होता है, ज़्यादा फैल जाएगा, और गैस कारधु का प्रयोग नहीं कर सकते, संग्रहित दाब का भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, हेलोन टाइप के जो उपकरण होते हैं इनकी यहाँ पर अनुमति दी जाती है कि आप बिजली के अंदर जो लगी आग है उसको आप हेलोन टाइप यंत्र से आप क्या कर सकते हो, इसको बुझा सकते हो, यानी। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन है वो था 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो BIS का पूर्ण नाम बताना है आपको, BIS का पूर्ण नाम क्या होता है। आप सभी को पता है कि IT के जो स्टार्टिंग में अंदर जो आपको चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर ही पूछा है, इसके अंदर इस तरीके की जो बातें होती है। तो इसका जो BIS का पूर्ण नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको जो कहाँ मिलेगा, ये राइट आंसर बी के अंदर मिलेगा, यानी बी हो गया इसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है 14 नंबर क्वेश्चन, लगातार आपके 13 और 14 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, यानी भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपको वजन वजन ज़्यादा है, कोई मोटर वगैरह जैसे कि कोई पार्ट ऐसा है जिसके अंदर वेट क्या है, कमान क्या ज़्यादा है, तो आपको उठा के कहीं दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो आप किस प्रकार की पद्धति का यूज़ यहाँ पर करना चाहोगे। तो इसका जो विंच का आप यूज़ नहीं कर सकते, विंच का होता है कि एक स्थान दूसरे स्थान तक इसको यानी स्लिप यानी स्लाइड करवा के ले जाना होता है। और उसके जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेन और लिंक्स के द्वारा, क्रेन अगर आप क्रेन से इसको हुक के अंदर डालोगे, आई वोल्ट होता है जिस प्रकार से मोटर को इसको लेकर जाना, तो यहाँ पर क्या होता है, आई वोल्ट होता है, आई वोल्ट में क्या डालना है, हुक लगाना है और मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेन और स्लिंग का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको PPE का नाम यहाँ पर दिया गया है, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट होता है PPE का पूरा नाम, ये आपको किस तरीके का जो कवच है वो दिखा रहा है। पर यहाँ पर जो अगर बात करें कि ये जो कवच होते हैं वो चेहरे का होता है, ताकि आपको वेल्डिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो चेहरे का कवच होगा, पर जो निमी के बुक के अंदर वो दे रखा है, इसका जो राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है डी, यानी हाथ की स्क्रीनिंग के लिए। तो आपको जो इस निमी की जो वेबसाइट है वहाँ पर दिए गए वही आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, उसके हिसाब से निमी। और अपना अगर थ्योरेटिकल देखा जाए, इसका राइट आंसर क्या होगा, चेहरे का कवच होगा। तो आप क्या करके हो, यहाँ पर डी ऑप्शन करके आओगे। उसके बाद में बात करते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की,
नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट आई हो, यानी छाती और पेट के अंदर क्या आई है, चोट आई है। तो आपकी छाती और पेट में चोट आई है तो आपको किस पीठ के बल आपको क्या करना है, लेटाना है। और पीठ के बल लेटाने वाली जो विधि होती है वो क्या होती है कि सिल्वेस्टर होती है, और सिल्वेस्टर इसके अंदर नहीं दी गई है इसलिए अपने इसका जो राइट आंसर है वो क्या करेंगे, नेल्सन की भुजा ऊपर की ओर विधि दबाकर, यानी इसका राइट आंसर क्या करेंगे अपने, डी करेंगे। सेफर विधि नहीं कर सकते क्योंकि मुँह का बल लेटा है, सेफर विधि में मुँह से मृदा नहीं कर सकते, मुँह से नाक नहीं कर सकते, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर आपको एक औजार का नाम दिखाया गया है कि ये किस प्रकार का औजार है, तो आपको बताना है कि किस प्रकार का औजार। ये पिंसर होता है जो कीलों वगैरह उनको निकालने के लिए काम में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लकड़ी में से कीले निकालने के लिए इसका जो यूज पूछा गया है, ठीक है। और वैसे इसका नाम क्या होता है, पिंसर होता है, यानी लोहे की कीलों को निकालने के लिए लकड़ी के अंदर से। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लकड़ी से कील निकालना, यानी सी आंसर। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो आता है अपने पास 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एक इस गेज का क्या उपयोग होता है, यानी एक डायग्राम दिखाया गया है, ये पूछा गया है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ आपको होता है कि आंतरिक त्रिज्या की जांच करने के लिए। जो ये जो अलग अलग पंखुड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है कि जैसे कि अगर अपने कोई लकड़ी है या फिर होल है उसके अंदर क्या आंतरिक व्यास का अपने को क्या है कि त्रिज्या का मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पर क्या रहता है, इस यूज़ अंतर का यूज़ किया जाता है, इस यंत्र का उपकरण किया जाता है। तो जो कि आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ओनली फॉर ओनली जॉब की आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए यूज में लाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। तीन नंबर की बात करें तो आपको एक औजार दिखाया गया है, ये किस प्रकार का औजार है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया, इसके जो ऑप्शन है वो आगे वाले पेज पे है तो मैं वहां पर ले चलता हूँ आपको, ठीक है। डिवाइडर है, आंतरिक कैलिपर है, विषम लिंग कैलिपर है या बारीक कैलिपर है। आपको इस चीज़ में बता दूं कि कैलिपर ये कौन सा है, ये है आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर के अंदर क्या होता है कि इसकी जो इस तरीके से होती है, इसकी जो आगे से जो नोक होती है वो अंदर की ओर मुड़ी रहती है। तो ये क्या होता है आंतरिक कैलिपर। अगर बाहरी कैलिपर की बात करें तो उसकी जो भुजा होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर इस तरीके से मुड़ी होती है, ये होता है बाहरी कैलिपर। जिसकी भुजा अंदर की ओर मुड़ी है वो क्या होता है, आंतरिक कैलिपर। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया वो किसका है, आंतरिक कैलिपर का दिखाया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी आंतरिक कैलिपर। चलिए अब बात करते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार हेतु किया जाता है, यानी किस प्रकार की छेनी को आपको यूज़ करना है जो पदार्थ को आप क्या कर सकते हो, वर्गाकार कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो है कि हीरा पॉइंट छेनी। हीरा पॉइंट छेनी क्या होती है कि एक छोटे छोटे अगर अपने जो बर रह जाती है उनको काटने के लिए यूज़ में लाई जाती है, हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। जाली छेनी का यूज़ अपने नहीं कर सकते, जाली निकालने के लिए जाली छेनी का यूज़ किया, क्रॉस कट का भी नहीं सकते क्योंकि लोहे को पूरे तरीके से काटना है, तो वहाँ पर अर्धवृत्ताकार छेनी का यूज़ अपने नहीं कर सकते क्योंकि अपने को एक त्रिज्या या ना फिर कोई होल बढ़ाना, अपने को जॉब की क्या करनी है कि वर्गाकार करना है जॉब को, तो वहाँ पर आपको हीरा पॉइंट छेनी का यूज़ किया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन था वो था 10 नंबर कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्गाकार स्टेक, यानी अगर आप सीट मेटल पे सामान्यतः उपयोग स्टेक बनाना है तो किस प्रकार का सीट का यूज़ करोगे आप, तो वर्गाकार सीट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन है वो है 11 नंबर, यानी लगातार 10 और 11 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आईएसओमेट्रिक फाइन थ्रेड एम 12 × × 1.25 है नंबर का इंगित क्या है, यानी जो 1.25 है वो नंबर किस को अंकित करता है। तो ये जो बताता है वो बताता है थ्रेड की पिच के बारे में। थ्रेड क्या होती है, चूड़ियाँ होती है, इनके जो बीज का जो इस तरीके से इनके जो बीज का जो भाग होता है उसको बताता है कि पिच को, यानी थ्रेड की जो पिच होती है उसको बताता है कि 1.25 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में पूछा गया था कि
छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण कौन सा है, जो एक्स मान दर्शाया गया है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पॉइंट है, ये किस पदार्थ टाइप के पदार्थ को क्या करता है वर्गी करता है, तो ये होता है पॉइंट कोण होता है। यहाँ से क्या होता है कि छेनी होता है वो टेपर होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस जो भाग को क्या कहते हैं पॉइंट कोण कहते हैं। जिस तरीके से इस यहाँ तक चले छेनी लगातार एक एक जैसी, फिर यहाँ से क्या होती है थोड़ी थोड़ी टेपर होती जाती है इस तरीके से, तो ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट कोण कहलाता है। ठीक है, पॉइंट एंगल यानी पॉइंट कोण कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोज का उपयोग किया जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर कह सकते हैं कि पहले अपने क्वेश्चन सीधे नोज का जो अपने यूज़ करते हैं सीट के सिरों को मोड़ना है, यानी अगर बात करें कि सीट है उसको सिरों को मोड़ना है तो वहाँ पर नोज ब्लाइंड का यूज़ अपने कर सकते हैं, वी क्रॉस कार अपने नहीं करते हैं। उसके बाद में तिरछा नोज का भी नहीं कर सकते, वर्गाकार नहीं कर सकते अपने, जिस तरीके ये अपने पास एक चादर है इसके जो जो आगे का भाग इसको इस तरीके से मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए क्या होता है कि सीधा नोज ब्लाइंड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी, बाकी क्या है गलत है तीन ऑप्शन। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर पूछा गया कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पर पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज को सुरक्षित किया जाता है। तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात करें अपने तो हो जाएगा इसका, जैसे कि 32 एम्पीयर का जो, छोड़ो ये जो क्वेश्चन है वो नहीं आया था, इसके अगले वाला क्वेश्चन आया था यानी 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नंबर क्या है कि एक SWG से तार का आकार मापने की प्रयास है, यानी जो प्रयास हाईएस्ट 0 से लेकर कितनी रेंज तक है SWG एक है वो वायर का यानी डायमीटर को बता सकता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट है वो होता है 36 तक, यानी जो 0 से लेकर 36 तक क्या होते हैं SWG नंबर होते हैं, और इसी आपको बता सकता है कि 36 से लेकर 0 तक के SWG साइज डायमीटर को आपको बता सकता है केबल के अंदर। अब बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे यानी 44 नंबर क्वेश्चन, सीधा जो अगले पर पूछा गया था वो है 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 44 नंबर में आपको दर्शाया गया कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, यानी इस विधि को आपको नाम बताना है। तो डीप सोल्डरिंग भी नहीं हो सकता, डीप सोल्डरिंग यानी वो होता है जो हार्ड की जाती है, और सोल्डरिंग गन भी नहीं है, सोल्डरिंग गन आपको दिखाई गई है ताकि आप ये जो होल दिखाई दे रहा है आपको इस होल के अंदर आप इसका भी को यहाँ पर लगा सकते हो ताकि ना कोई जलने की और ना अगर बात करें कि ठंडी भी नहीं होगी आगे वाली जो बिट है हवा के संपर्क में नहीं आएगी तो ठंडी भी नहीं होगी। इसलिए ये जो विधि बताई गई है वो बताई गई है कि सोल्डरिंग गन है एक प्रकार की जो क्या करना है कि अपने सोल्डरिंग करने के लिए यूज में लाई जाती है, जो क्या करती है कि सोल्डरिंग वायर को पिघलाने का काम करती है। उसके बाद का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 45 नंबर यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है। आपको EMF ज्ञात करना है, EMF क्या होता है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने देखते हैं कि क्या होगा, EMF पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि V ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है I में क्या होता है R होता है। आपको बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस के अंदर क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल कितना आ रहा है और वोल्टेज ड्रॉप कितना है, इन दोनों का अगर आपने जोड़ देते हैं तो EMF का मान भी यानी विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में और वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। जैसे कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ये बल्ब लगाया गया है और यहाँ पर अपने पास है एक बैटरी लगाई गई, यहाँ स्विच लगा दिया उसको चालू कर, यहाँ से जो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे ये तो कहलाएगा अपना EMF कहलाएगा, और लोड पर अगर देखेंगे तो वो क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अगर अपने को EMF कुल वोल्टेज का मान निकालना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इस जो विभवांतर वाली जो वोल्टेज है PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस वाली वोल्टेज इसको प्लस करोगे आप यहाँ, और ये लैंप जो कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इस दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या है टोटल जो EMF है उसका मान आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें अपने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ को जोड़ने के बाद। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 नंबर क्वेश्चन, तांबे के परमाणु क्रमांक, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा था, आपको पता है कि जो N2N² जो फॉर्मूला होता है उससे अपने क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को विभाजित करते हैं अलग अलग कक्षाएं में। पहले कक्षा में आपको पता है कि कितने, जिस प्रकार देखा जाए कि 2 × 1² बराबर के 2 1 2 फिर 8 16 फिर 32,
यानी कौन सी कक्षा में पूछ रहा है, तीसरी कक्षा में पूछ रहा है, तो तीसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 18 आएंगे, 2, 8, 18, यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 आएंगे, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसको वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 29 परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दो नंबर क्वेश्चन के बारे में, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, इसमें से आपको अर्धचालक बताना है, और यूरेका चालक होती है, एबोनाइट चालक नहीं होती, ये अचालक होती है, और अगर बात करें कि मैग्नीन, ये भी एक चालक होती है रेशनस बनाने के लिए। जो जर्मेनियम होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी सेमी कंडक्टर है, जिसे डी वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद अगले चर्चा करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का क्या नाम है। इस प्रकार ये आपको रेजिस्टेंस दिखाया गया, इसका आपको नाम बताना है क्या है, कि तार बंधे, ये काट किटकिट जो फ्यूज़ होते हैं वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरीके से किटकिट फ्यूज़, इसके आगे यहाँ पर जो खांचे होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या एक तार लगानी पड़ती है, तो तार बांधने होंगे क्या है ये फ्यूज, आप यहाँ से लेकर यहाँ पर एक तार बांध सकते हैं, तो ये कौन सा है, तार बांधे प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर का, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन सी है, यानी ओम के नियम से विद्युत संबंधित कौन से, ओम पर धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, ये भी नहीं है क्योंकि शक्ति आ गया, बाकी ये दो तो सही थी। उसके बाद में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का रेजिस्टिविटी, उसके बाद अगर बात करें अपने कि ये भी नहीं होगा, उसके बाद धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ये होगा, क्योंकि ओम के नियम इधर क्या होता है, वी आई और आर, यानी वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस, यानी ये जो ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ये 3 नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो टाइप हो जाए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो जो ये थ्योरी के ओनली फॉर जो का 40 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है, जैसे कि बात करें कि 40 क्वेश्चन को क्वेश्चन आएंगे और उसको करने के लिए कम से कम आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, और ये जो क्वेश्चन है वो कल जो, यानी 16, अगर बात करें कि 16 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था, यानी 10 से 01 के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था 1 PM तक, ये जो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और उसके अंदर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, यही जो 40 क्वेश्चन वो आए थे, और उसके सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से, इसमें से कम 10 क्वेश्चन उठाए गए थे। और क्या पता कि अगर अब बात करें कि जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एक तो 17 और एक 18 की लिस्ट आई है, उसके बाद में एक 22 और एक 23 की है, ठीक है, एक 23 की है। तो इन जो 4 शिफ्ट के अंदर क्या है कि आपका एग्ज़ाम ये पूछा जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।